हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूँ ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्त, ये ट्रिक का सेशन है और ट्रिक में आज अलजेब्रा का कुछ खास क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछता है। वो बच्चे थोड़ा सा उसमें उलझ जाते हैं, तो उसको आज हम लोग देखेंगे। बहुत लोग सॉल्व भी कर लेते होंगे, जो लोग सॉल्व कर लेते होंगे उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग नहीं कर पाते होंगे उनको सिखाने के लिए हम यहाँ पे खड़े होते हैं दोस्त। तो लोग सीखेंगे और अच्छा लगेगा वीडियो तो शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्त। आज हम अलजेब्रा का एक पार्ट लिए हैं। जैसे कि इसके पहले आप लोग को पता होना चाहिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। बिल्कुल मीडियम से चलेंगे दोस्त, इसमें तीन चार लेक्चर ले लेंगे, ठीक है। आज पहला लेक्चर है, फिर कल इस तरह तीन चार, बहुत ज़्यादा जाने वाला है। इसमें देखिएगा अलजेब्रा का पार्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये होता है। अब देखिए दोस्त, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग इधर कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालना हो तो ये टू ए बी इधर आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग बताइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी होगा, ठीक है। अब इसी तरह ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हो जाएगा ना, माइनस टू ए बी हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू निकालना हो हमको ए प्लस बी के होल स्क्वायर का या फिर ए माइनस बी का निकालना होगा तो इधर रूट कर देंगे। अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का निकालना होगा इस कंडीशन में तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी हो जाएगा, यही तो होगा दोस्त। अब क्यूब का कुछ देख लेते हैं फार्मूला, ये तो रहा स्क्वायर का। अब क्यूब का कुछ इसका बताने का मेरा मकसद है, आप लोग अभी देखिए धीरे धीरे, अभी हम स्टार्ट करेंगे सीरीज को। अब देखिए थोड़ा सा भूमिका बन जाए अच्छे से, फार्मूला पता रहे थोड़ा सा, हमें भी लगे कि हाँ हम बता दिए हैं। नहीं बताए रहते तो लगता कि बच्चों को पहले बताए नहीं है तो डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन करा दिया जाए। पहले फार्मूला पता होना चाहिए, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्री ए इंटू बी ए प्लस बी, ठीक है दोस्त। अगर इसी में हो जाता है ए माइनस बी का होल क्यूब तो सब माइनस हो जाएगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, ये तो होता है दोस्त, ठीक है। अभी इस सब पे क्वेश्चन आने वाला है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब यहीं पे आ जाता ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो हो जाता ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है। यहाँ पर जब माइनस आया है तो दूसरे वाले ब्रैकेट में सब प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ठीक है। ये फार्मूला ही है, आपको याद ही करना पड़ेगा, याद करिए इसे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आ जाता है तो ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है दोस्त। तो इस तरह के थोड़े से फार्मूले आप लोग को याद करने पड़ेंगे। अगर फार्मूले याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद हैं तो आप लोग को याद करना ही पड़ेगा दोस्त, करिए आप लोग याद, रटिए या फिर इसे याद करिए। बहुत नॉर्मल फार्मूले होते हैं दोस्त, ये सब याद रहना चाहिए, वैसे याद होगा बच्चों, जो तैयारी करने वाले बच्चे अच्छे होते हैं वो सब ये फार्मूले सब याद किए रहते हैं। अब देखिए हम थोड़ा कुछ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर दे देता है अलजेब्रा में यक्स प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू टू दे दिया और आप लोग से पूछ लिया यक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए, ठीक है दोस्त। नॉर्मल है, देखिएगा इसमें हम लोग सिक्स तक जाएंगे, सेवन तक जाएंगे, एट के पावर तक जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। आज नॉर्मल चलेगा, इसके बाद जो आएगा अगला सेशन उसमें हो सकता है चला जाए। आज वीडियो बड़ी न होने के कारण हम छोटा वीडियो बनाएंगे जिससे आप लोग को देखने में प्रॉब्लम ना हो। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर पहला निकालना है, दूसरा निकालना है यक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब, तीसरा निकालना है यक्स के पावर फोर प्लस वन अपन यक्स के पावर फोर, ठीक है दोस्त। फाइव तक भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यक्स प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू दो है। अब इस तरह अगर डायरेक्ट वैल्यू भी रिपुट कर दिया जाए तब भी आ सकता है, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू पुट कर करेंगे। देखिए जब यहाँ पे दो दिया रहेगा, जब भी दो दिया रहेगा तब एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग, एक ही तो रख सकते हैं, एक ही तो हो सकता है एक्स की वैल्यू। जब एक्स का वैल्यू एक होगा, अगर दो रख देंगे तो आएगा क्या, दो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर दो यानी कि दो दशमलव पाँच आ जाने वाला है। लेकिन अगर एक एक होगा तब तो इसका भी आंसर एक, इसका भी आंसर एक, इसका भी आंसर एक, इसका भी आंसर एक। इस कंडीशन में जब x प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू दिया हो इक्वल टू दो दिया हो तब हमेशा याद रखिए पावर 26 दे दे, 100 दे दे, 200 दे दे, कुछ भी दे दे, हमेशा उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसके वैल्यू दो ही होगा। क्योंकि यहाँ पे x की पावर, x की पावर ऑड हो चाहे इवन हो चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, हमेशा x वन का पावर मतलब वन की वैल्यू, अगर x का वैल्यू अगर वन है
तो वन के पावर चाहे ऑड हो, चाहे इवन है, चाहे माइनस, चाहे प्लस, कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब, हमेशा उसका वैल्यू वन ही रहने वाला है दोस्त। वन प्लस वन इक्वल टू दो, दो ही आएगा, चाहे जिस कंडीशन की बात कर लें। एक्स की पावर 26 अपॉन एक्स की पावर 26 इक्वल टू दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू दो, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू दो, एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू दो। तो यह चीज आप लोग समझ गए होंगे, जब भी दो होता है तो हम लोग क्या बता देंगे, सीधे आंसर दो आने वाला है सर। ठीक है दोस्त, आगे चाटते हैं इसी जगह, लेकिन अब देखते रहिए। अब यहाँ पे अगर तीन आ जाता है, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू तीन आ जाता है, थ्री आ जाता है, या फिर कोई और वैल्यू आ जाता है, चार आ जाता है, पाँच आ जाता है, छः आ जाता है, लेकिन दो के सिवा, दो के सिवा कोई वैल्यू, तो x प्लस वन अपॉन एक्स आ गया। अब पूछ रहा है आपसे, बताइए x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए, x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू बताइए। पहले ये दो देख लेते हैं, पहले ये दोनों देख लेते हैं दोस्त। अब देखिए x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू तीन है, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता हमको करना है। अब हमको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब हमको यही तो वैल्यू पूछ रहा है, ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो ये वाला इधर आ जाएगा, मतलब a प्लस बी माइनस टू ए बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया। अब ए का वैल्यू मान लेते हैं एक्स है, बी का वैल्यू मान लेते हैं वन अपॉन एक्स है। अब ए प्लस बी का ही मान लेते हैं तीन दिया है, तो तीन का स्क्वायर माइनस टू। अब एक्स यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, तीन का स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। अब यह कैंसिल हो जाएगा, तो तीन का स्क्वायर नाइन माइनस दो इक्वल टू सात। मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलिए या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बोलिए, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, सेवन आ जाएगा। इस तरह हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, आप लोग को सीखने के लिए थोड़ा सा बता दिया गया, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा, देखिए क्या कर सकते हैं, जब भी यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, तीन का स्क्वायर हमेशा तीन का स्क्वायर माइनस दो कर देंगे, तीन का स्क्वायर माइनस दो इक्वल टू सेवन आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू, अब इसका वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, x प्लस वन अपान एक्स वाला, x प्लस वन अपान एक्स का मान लीजिए फार्मूला बना दिए, तो हो जाएगा x क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू वन अपान एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपान एक्स, यही तो होगा दोस्त। अब देखिए इसका वैल्यू हमको निकालना है और इसका दिया हुआ है, तो यहाँ पे तीन रख देंगे, थ्री आ गया, और यहाँ पर हो गया x क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब। अब यहाँ पे थ्री एक्स और एक्स कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस में थ्री, और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू थ्री, तो हो जाएगा थ्री, थ्री थ्री या नाइन, और यहाँ पे थ्री है, पहले से देखिए यहाँ पे थ्री है, और यहाँ पे क्यूब था ना, सॉरी दोस्त, यहाँ पे देखिएगा क्यूब था, क्यूब की वैल्यू निकाल रहे, तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, थ्री थ्री या नाइन थ्री या ट्वेंटी सेवन, तो आ जाएगा ट्वेंटी सेवन, या थ्री थ्री या नाइन इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आ गया ना एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू, तो आ गया एटीन दोस्त, कितना आ गया, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू आ गया एटीन। अब देखिएगा ध्यान से आप लोग देखिएगा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं, फार्मूला बनाने के लिए ही बताएं दोस्त, वरना हमको क्या है, हम लोग को बेसिक से बताते हुए चल रहे हैं फार्मूला बनाकर। देखिए ध्यान से, अब एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब जब भी यहाँ पे थ्री दिया है, मान लेते हैं यहाँ पे अगर ए दिया हो, थ्री ना देकर ए दिया हो, तो आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला बना देंगे, ए का क्यूब माइनस थ्री, ध्यान से देखिएगा, माइनस थ्री इंटू ए हो गया। और जब भी स्क्वायर वाला दिया हो, स्क्वायर वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस टू माइनस टू, टू क्यों करेंगे, क्योंकि जो ए आएगा ये तो स्क्वायर में हो गया, और माइनस टू कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। माइनस टू क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, इधर आएगा ट्रांसफर होगा, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक, आगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसमें टू नहीं आएगा, और भी नंबर आ सकते हैं, इसके लिए बने रहिएगा जब तक क्लास चलेगा, ये वाला नहीं, आगे आने वाला सेशन बहुत सारे। अब देखिए और ज़्यादा क्वेश्चन, ये तो पता हो गया, देखिए इसको बना लेते हैं हम लोग सर्कल, इसको याद कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे एक्स स्क्वायर के लिए। अगर यहीं पे एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर का निकालना होता तो क्या करते थे, देखिए अगर यहाँ पे दो था तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया, दो का स्क्वायर माइनस दो, सॉरी तीन था ना दोस्त, तीन ले लेते, तीन था ना, तो दो, दो जब दो रहेगा तो एक एक आ जाएगा, सबका वैल्यू दो दो आ जाएगा, जितना भी पावर रहेगा सबका वैल्यू दो ही आएगा जब यहाँ पे दो रहेगा, लेकिन जब तीन है अदर संख्या रहेगा दो के सिवा, तब देखिए तीन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या किया, फार्मूला हम लोग बना लिए हैं, यहाँ पे तीन रखेंगे, तीन का स्क्वायर नाइन माइनस दो,
इक्वल टू 7 आ गया। अब स्क्वायर का जब पता हो गया, इसको मन में ही काउंट कर सकते हैं दोस्त, मन में 3 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 7। अब 7 आ गया, अब x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 निकालना है, तो बस अब इसका स्क्वायर माइनस 2 कर देना है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2, बस वही वाला इसके लिए। अब इसको मान लिए हम लोग x, अब इसको मान लिए x प्लस 1 अपॉन x, इसको मान लिए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो इसका 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 कितना आ गया दोस्त, 47 आ गया। अब देखिए, अब पूछ देता है x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8, तो अब इसको x मान लेंगे, अब इसका स्क्वायर माइनस 2, 47 का स्क्वायर माइनस 2, 47 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त, 47 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर अगर निकाल दें, 45 हो जाएगा 4 5 20, 5 4 20 25, तो हो जाएगा 26, देखिएगा दोस्त 26 और 25 है ना इसके ऊपर, चलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा आपका 40 प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 4 16 प्लस 7 49, उधर आ जाएगा प्लस 2 × 40 × 7, यानी कि 7 4 28 28 × 56 56, 560 आ गया, 560 को इसमें ऐड कर देंगे, 560 प्लस 7 49, ठीक है दोस्त, तो 9 हो गया, 6 4 10 को 0 कैरी 1 हो गया, 6 5 11, 6 5 11 1, 12 2 कैरी 1, 1 1 2, ठीक है देखिए फिर से गड़बड़ हो रहा है कहीं, 9 हो गया, 6 4 10 को 0 कैरी 1, 6 5 11 1 12 2 कैरी 1, 1 1 2, ठीक है 2209 आ गया दोस्त, 2209, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, 4 4 16 7 7 49 हो गया, और यहाँ पे 40 × 7 7 4 28 28 × 56, यानी कि 560 हो गया, 560 को ऐड कर दिए 49 आ गया, ठीक है उसमें कितना आया था 20, ठीक है दोस्त इतना आ जाएगा 2209। अब 2209 माइनस 2 कर देंगे, 2209 माइनस 2 करेंगे तो 2207 आ जाएगा इसका आंसर, x के पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8, आशा करते हैं दोस्त समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट, यह तो समझ में आ गया, अब यहीं पे अगर दे दें हमको x के पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 का वैल्यू बताइए, तब हम क्या करेंगे, इतना देखिएगा इतना इंटू इतना करेंगे, देखिएगा बेसिक से पहले बता लेते हैं फिर उसके बाद डिटेल में कैसे शॉर्ट में बताते हैं उसे वो भी बता देंगे, देखिएगा ध्यान से, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, यही तो निकालना है, इसके इक्वल टू इतना है, इधर ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 5 का जब लोग निकाल रहे हैं इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 इसकी वैल्यू हमको पास चाहिए, तो अब बस इन दोनों का वैल्यू, जो इसका 7 आया था 3 रखने पर, इसका कितना आया था दोस्त 47 आया था 40 देख लेते हैं, 3 3 9 27 माइनस 9 18 आया था, जब x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 3 थी तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू 7 और x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब का वैल्यू 18, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने का देखिए मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का कितना आ जाएगा 18 × 7 माइनस 3 कर देंगे, माइनस 3 कर देंगे दोस्त, माइनस 3 बस हो गया, 18 × 7 कितना हो गया 8 7 56 70, 70 + 56 126 माइनस 3 123, ठीक है दोस्त इस तरह निकालते हैं, और देखिए और निकालते हैं, देखिएगा और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए हम देखिए x क्यूब x, अब इस तरह रिवर्स भी जाया जा सकता है, पहले एक क्वेश्चन और लेते हैं आज का, देखिएगा ध्यान से समझिएगा इसे अच्छे से, 5 है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 5 है, तो बताइए x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का वैल्यू और x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब का वैल्यू, इसके बाद बताइए x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4 का वैल्यू, उसके बाद बताइए x के पावर 5 प्लस 1 अपॉन x के पावर 5 का वैल्यू, चारों बताइए। अब देखिए x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू दिया है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करेंगे इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताए हैं, a का स्क्वायर माइनस 2, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 5 25 माइनस 2 23, मतलब इसका वैल्यू आ गया, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का वैल्यू आ गया 5 का स्क्वायर माइनस माइनस 2 बराबर 23, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 23 23 आ गया, 5 5 25 माइनस 2 23 आ गया दोस्त 23 आ गया। अब यहाँ पे देखिए x क्यूब प्लस 1 अपन x क्यूब का वैल्यू निकालना है, x क्यूब प्लस 1 अपन x क्यूब का वैल्यू निकालना है, x क्यूब प्लस 1 अपन x क्यूब का वैल्यू निकालना है इस बार। अब देखिएगा ध्यान से 5 का
के पावर थ्री, यही था ना हमारा कि हमारा फार्मूला क्या था, फार्मूला यही था ए क्यूब माइनस थ्री ए, यही था। अब ए के प्लेस से पाँच है तो पाँच का क्यूब माइनस थ्री इंटू फाइव, पाँच का क्यूब माइनस थ्री इंटू फाइव, पाँच का क्यूब 125 माइनस पंद्रह, ठीक है दोस्त। 125 माइनस पंद्रह करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाँच पाँच जीरो, दो में से एक जाएगा एक, एक 110, कितना आ जाएगा दोस्त 110 आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे निकल गया एक्स क्यू का वैल्यू, एक्स क्यू का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 110, कितना आ गया दोस्त 110। अब हमको निकालना है एक्स की पावर फोर प्लस वन अपन एक्स की पावर फोर, यानी कि एक्स की पावर फोर प्लस वन अपन एक्स की पावर फोर, ठीक है दोस्त। अब बताए थे पिछले वाले सेशन में कि जब एक्स का दिया हो तो एक्स स्क्वायर का निकल गया, अब एक्स स्क्वायर का जब निकाल लिया तो एक्स की पावर फोर का भी तो निकल सकता है, ठीक है दोस्त। जब नहीं भी यह निकालने को दिया रहे तब भी आप लोग को यह निकाल सकते हैं, इसको निकालने के बाद ही इसको निकालिएगा, नहीं तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी जाने वाला है, तुरंत सेकंडों में इसको निकालेंगे। पाँच दिया है तो 23, 23 का स्क्वायर करेंगे माइनस दो कर देंगे, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है दोस्त, 529 होता है, माइनस दो कर देंगे तो आ जाएगा 527, कितना आ जाएगा दोस्त 527। इस तरह निकाल लिए इसको, यहाँ पे लिख देते हैं 527, ठीक है फ्रेंड। अब देखते हैं एक्स की पावर फाइव प्लस वन अपन एक्स की पावर फाइव, एक्स की पावर फाइव प्लस वन अपन एक्स की पावर फाइव, ठीक है। इसको निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स के पावर थ्री, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस, देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एक्स पावर फाइव प्लस वन अपन एक्स के पावर फाइव, ठीक है प्लस। अब देखिए एक्स स्क्वायर का जब एक्स क्यूब में होगा तो यहाँ बचेगा एक्स, एक्स स्क्वायर का जब इसमें होगा तो बचेगा वन अपन एक्स, ठीक है। पिछले वाले में गलत हो गया था दोस्त, उसको ध्यान दीजिएगा, उसको ध्यान से सही कर लीजिएगा। अब कमेंट मत करिएगा आप लोग कि सर गलत बता दिए थे, गलत नहीं बताए थे दोस्त, वो अचानक से हम एक्स क्यूब का वैल्यू समझ लिए थे, एक्स के पावर सिक्स की वैल्यू समझ लिए थे जिसमें कि माइनस करना पड़ जाता है, तो एक्स की पावर फाइव है तो ध्यान दीजिए ऐड करना होता है, जो ये वाला वैल्यू होता है उसको लास्ट में एक्स की पावर फाइव का जो आएगा मल्टीप्लाई करने पर उसको ऐड, सॉरी सही था जो माइनस करना ही था, सही था वो माइनस करना था, करेक्ट है वो। अब देखिए आ गया एक्स की पावर फाइव प्लस वन अपन एक्स की पावर फाइव, एक्स प्लस वन अपन एक्स आ गया, ठीक है माइनस करना है दोस्त, इसको ध्यान रखिएगा प्लस नहीं माइनस ही करना है, करेक्ट हो। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको तो उधर ट्रांसफर करेंगे, जब एक्स प्लस वन अपन एक्स है तो इसका वैल्यू निकालने के लिए उसको उधर ट्रांसफर करेंगे। अब जब इसके इक्वल टू तो है, अब यह इसका वैल्यू जो आया है देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर का वैल्यू 23 है तो 23 इंटू 23, अब एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स का क्यूब का वैल्यू 110 इंटू 110, ठीक है दोस्त। ध्यान से देखिएगा, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कि सोचे उधर ट्रांसफर नहीं करना, ट्रांसफर करना होता है, जब उधर ट्रांसफर होगा अब देखिए इसी को उठा के जब इसके साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन होगा यह पूरा चीज़। अब इस पूरे का वैल्यू हमको पता है क्या है, पाँच है तो पाँच लगा देंगे, ठीक है दोस्त। तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, बस एक्स क्यू प्लस वन अपन एक्स की फाइव का वैल्यू निकालना हो, एक्स के पावर फाइव प्लस वन अपन एक्स के पावर फाइव का वैल्यू जब भी निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर का वैल्यू और एक्स क्यू प्लस वन अपन एक्स क्यू का वैल्यू 110 इंटू 23 कर लेंगे तो जो आएगा उसमें से एक्स प्लस वन अपन एक्स का माइनस कर देंगे, बस सिंपल सा। तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं 23 गुणे 110 माइनस 5, यहाँ पे जो आया वही चीज़ डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। पहले आप लोग को इस तरह बता दिए एक्सप्लेन करके और डायरेक्ट भी बता दिए, डायरेक्ट तरीका बहुत ईजी होता है एग्जाम में, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस सही होता है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपस अपने आप क्या होगा ईजी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 का कितनी 11 33, 3 11 दूनी 22 3 25, यानी कि यह आ गया माइनस 5। अब इसको कर लेते हैं 2 5 2 5, यह आ जाएगा दोस्त 2525, जब एक्स प्लस वन अपन एक्स का वैल्यू 5 हो। अब इस तरह आगे वाले नेक्स्ट सेशन में माइनस वाला भी लेकर आएंगे, उसके बाद बहुत ज़्यादा 7 वाला पावर भी लेकर आएंगे, कैसे ईजी तरीके से निकाल सकते हैं पहले एक्सप्लेन करके बताएंगे, फिर उसके बाद कैसे ईजी तरीके से निकाल सकते हैं, जैसा कि आप लोग आज देखे हैं एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब का वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करना है तो ए का क्यूब माइनस थ्री इंटू ए, इस तरह एक्स स्क्वायर का प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करना है तो ए स्क्वायर माइनस दो कर देंगे, एक्स की पावर फोर प्लस वन अपन एक्स के पावर फोर का वैल्यू निकालना हो तो डायरेक्ट जो पहले वाला स्क्वायर वाला आया हो उसका स्क्वायर माइनस दो कर देंगे, और एक्स की पावर फाइव प्लस वन अपन एक्स की पावर फाइव का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे दोस्त, एक्स स्क्वायर वाला और एक्स क्यूब वाले को मल्टीप्लाई करके एक्स प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू माइनस कर देंगे। इस तरह डायरेक्ट याद कर सकते हैं, हम लोग का जो माइंड होता है ना यह क्या मांगता है, मैथ क्या होता है दोस्त, मैथ को हम लोग प्रैक्टिस में रखना चाहिए, हमेशा प्रैक्टिस में रखना चाहिए, प्रैक्टिस में है
तो यहाँ ना होकर यहाँ स्टोर हो जाता है, जब यहाँ स्टोर हो जाता है तो कभी नहीं भूलने वाला होता है, उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही और आगे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आप लोग अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, शेयर करके थोड़ा सा मेरा फ़ायदा कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए। ठीक है दोस्त, थैंक यू।